तो गाइस जब से GTA 5 पॉपुलर हुआ है तब से हर कोई बंदा ओपन वर्ल्ड गेम को काफी ज्यादा पसंद कर रहा है एंड अपने मोबाइल में खेलने के लिए पागल है, क्योंकि ओपन वर्ल्ड गेम के अंदर मिलता है फ्री रोमिंग जहाँ पे आप पूरा मैप में कहीं पर भी जा सकते हो, मिशन खेलो और बहुत कुछ। तो इसलिए आज मैं लेकर आया हूँ एक या दो गेम नहीं बल्कि टॉप 10 न्यूली लॉन्च ओपन वर्ल्ड गेम के बारे में, जिसमें आपको रियलिस्टिक कार ड्राइविंग, ऑफ रोडिंग, बस, ट्रैक्टर, हॉर्स राइडिंग, ट्रेन और कई सारे अमेजिंग गेम देखने को मिलेगा। तो वीडियो को कम्प्लीटली देखो एंड सभी गेम्स को पूरा देखो एंड जज करो कि कौन सा गेम आपके लिए बेस्ट होने वाला है। और अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए बात करते हैं नंबर 10 गेम के बारे में, जिसका नाम है कार ड्रिफ्ट वर्ल्ड। वेट, ये सिर्फ एक कार ड्रिफ्टिंग गेम नहीं, जरा वेट करो सब कुछ समझ में आ जाएगा। बेसिकली इस गेम में रेस मिशंस के साथ टोटल 3 लार्ज ओपन वर्ल्ड मैप देखने को मिलता है, जैसे कि सिटी, फॉरेस्ट एंड स्पीड ओपन वर्ल्ड मैप। यहाँ पे आप सिटी में रेस कर सकते हो ऑनलाइन प्लेयर के साथ एंड डिफरेंट प्लेयर को बीट करके फर्स्ट पोजीशन में रैंक करना होगा। और भाई ओपन वर्ल्ड मैप को इतना ब्यूटीफुली डेवलप किया है मेरे को काफी जबरदस्त लगा है। इसी वाली गेम में फॉरेस्ट मैप जस्ट माइंड ब्लोइंग लगता है गाइस, क्योंकि नेचर साउंड और साथ में ऑफ रोडिंग जस्ट सुपर लगता है ड्राइविंग करने में। लेकिन भाई पुलिस से बच के अगर कुछ इधर उधर हुआ तो पुलिस आपके पीछे ही पड़ जाएगा। एंड एक और चीज बताना तो भूल ही गया हूँ कि इसमें टोटल 15 प्लस नॉर्मल टू सुपर कार्स एंड ऑल्सो लैम्बोर्गिनी को भी ड्राइव कर पाओगी। और फर्स्ट पर्सन मोड में ड्राइविंग जस्ट अमेजिंग लगता है। गेम की ग्राफिक्स की बात करें, ग्राफिक्स काफी ज्यादा रियलिस्टिक है। ओवरऑल देखा जाए तो इस गेम में रियलिस्टिक क्वालिटी ग्राफिक्स के साथ टोटल 3 लार्ज ओपन वर्ल्ड मैप में इंटरेस्टिंग मिशंस को कंप्लीट करने में आपको काफी ज्यादा पसंद आएगा। तो अगर आपके पास मिनिमम 2GB रैम का डिवाइस है तो इस गेम को एक बार ट्राई करना तो बनता है। इसके साथ चलते नेक्स्ट गेम में। गाइस हमारे लिस्ट में नंबर 9 रैंक पर है इंडियन ट्रेन सिमुलेटर 2023। इस गेम को मैं 2018 साल से खेलता हूँ एंड बहुत दिनों से प्ले स्टोर में से गायब था एंड फाइनली ये मॉडिफाई होके प्ले स्टोर में देखने को मिल गया। अब से तो मजा ही मजा आ जाएगा, क्योंकि इसमें मिलता है बहुत सारे मॉड जैसे कि करियर, सिनेरियोस, कस्टम मॉड एंड ऑल्सो क्विक प्ले। गाइस इस गेम में सिर्फ ईस्ट एंड वेस्टर्न रेलवे को कवर किया गया है, जिसमें देखने को मिलता है सबसे बड़ा हावड़ा जंक्शन से दुर्गापुर, आसनसोल, दिल्ली, जयपुर, गया, प्रयागराज, कानपुर, धनबाद, मुंबई, जिसका अंदर इतना सारा एक्सप्रेस अवेलेबल है कि खेल के देखने के बाद ही पता चलेगा। बाय द इस गेम में रियल हिंदी एंड बंगाली अनाउंसमेंट, साथ में रेलवे स्टेशन के ऊपर रियल पैसेंजर और कॉन्वर्सेशन जस्ट अमेजिंग लगता है। सिर्फ इतना ही नहीं, सभी टाइप लोकोमोटिव एंड अलग अलग कोचेस के साथ इंडियन ट्रेन ड्राइविंग और साथ में अलग अलग कैमरा एंगल पूरा गेमिंग एक्सपीरियंस को जस्ट फैंटास्टिक लगता है। इनफैक्ट एक और चीज बताना तो भूल ही गया हूं कि इसमें इंडियन ट्रेन हॉर्न इतना रियलिस्टिक और बहुत तेजी से साउंड निकलता है, एकदम कम्प्लीटली रियल के जैसा वाइब्स देता है। तो भाई अगर आपने इस गेम को नहीं खेलोगे तो डेफिनेटली एक बेस्ट गेम को मिस करोगे। इसी के साथ बात करते हैं नेक्स्ट गेम के बारे में। तो गाइस हमारे लिस्ट में नंबर 8 रैंक पर है GTA प्रोजेक्ट 5। अगर आप GTA गेम का डायहार्ड फैन हो तो ये गेम आपके लिए है। शायद आप लोगों ने बहुत सारे GTA 5 फैनमेड गेम को ट्राई किया है, लेकिन वो सभी गेम से ये गेम बेस्ट है, क्योंकि इसमें लॉस सैंटोस का मैप देखने को मिलता है, जिसमें माइकल ट्रेवर एंड फ्रैंकलिन का कैरेक्टर देखने को मिलता है और आप कैरेक्टर को स्विच भी कर पाओगे। मजेदार बात तो ये है कि ओपन वर्ल्ड एरिया में रियलिस्टिक ट्रैफिक, NPC कैरेक्टर और आप किसी का व्हीकल्स को चुरा के भाग भी सकते हो और आपके पीछे पुलिस भी पड़ जाएगा। और अगर आपको सिविलियंस को मरने का मन कर रहा है तो वो भी कर पाओगे वेपन इस्तेमाल करके, पैसा लूट कर सकते हो एंड और बहुत कुछ। मैं वादे के साथ बोल सकता हूँ कि इससे बढ़िया फैनमेड गेम आज तक ट्राई नहीं किया है। साथ में मेरे को ऐसा लग रहा था GTA 5 को मोबाइल पे खेल रहा हूँ। ग्राफिक्स थोड़ा डार्क टाइप फील आता है, लेकिन काफी शानदार व्यू प्रोवाइड करता है। इस गेम के बारे में और नहीं बोलूंगा। अगर आपके पास मिनिमम 3GB रैम का डिवाइस है तो इस गेम का अभी जाकर इंस्टॉल करके मजा उठाओ इस गेम का। गाइस लिस्ट में नंबर 7 रैंक पर है स्टार इक्वेस्ट्रियन। गेम कम्प्लीटली मैसिव ओपन वर्ल्ड मैप के ऊपर बेस्ड है, जिनके ग्राफिक्स एनिमेटेड टाइप देखने को मिलता है। बेसिकली यहाँ पे आप हॉर्स राइडिंग लार्ज ओपन वर्ल्ड मैप में फ्रीली घूम सकते हैं, डिफेंडिंग ऑनलाइन प्लेयर के साथ हॉर्स रेसर इधर उधर घूमना एंड ऑल्सो आप सामने से कॉन्वर्सेशन भी कर पाओगी। गेम का एनवायरमेंट भी जस्ट फैंटास्टिक है, साथ में गेमिंग साउंड इतना ज्यादा सेटिस्फाइंग जब आप खेलोगे आपको भी समझ में आ जाएगा। इनफैक्ट हॉर्स रहने के लिए आपको अपने ड्रीम हाउस को बिल्ड करना, कैरेक्टर एंड हॉर्स को फुल्ली अपग्रेड करना और तो हॉर्स को पानी एंड खाना भी देना पड़ता है। और आपने हॉर्स को सबसे बेस्ट अपग्रेड करके तेजी से भागा के बहुत सारे मिशन कम्प्लीट करना होता है। गेम का ग्राफिक्स माइंड ब्लोइंग लगता है, तो इस गेम के बारे में और नहीं बोलूंगा। अगर आपके पास मिनिमम 2GB रैम का डिवाइस है तो अभी जाके इस गेम को डाउनलोड करो यार, आई प्रोमिस आपको डेफिनेटली पसंद आएगा। अब चलते नेक्स्ट गेम के ऊपर, जिसका नाम है इंडियन ट्रैक्टर सिमुलेटर 3D। इंडियन ट्रैक्टर गेम किसको पसंद नहीं, मेरे को तो भाई बहुत पसंद है। बेसिकली इस गेम में पहले से सभी ट्रैक्टर अनलॉक है, तो आप कोई भी ट्रैक्टर चूज करो और ड्राइव करो लार्ज ओपन वर्ल्ड इंडियन स्टाइल गांव इलाके रास्ते के ऊपर से। और अगर आप चाहो तो फिर फ्री रोविंग भी कर सकते हो। बिसाइड ट्रैक्टर में टोटल 3 इंडियन स्टाइल हॉर्न भी अवेलेबल है, तो एक बार हॉर्न मारना तो बनता है। अरे भाई कैसा लगा है कमेंट करके बताओ। ड्राइविंग करते टाइम डिफरेंट कैमरा एंगल, स्टीयरिंग व्हील, बटन एंड टिडिल के साथ ड्राइविंग कर पाओगे। और तो आप ऑफ रोड ड्राइविंग करके सामान को लेकर दूसरी जगह पर डिलीवरी देना पड़ता है। अब ग्राफिक्स के बारे में बोलो तो ग्राफिक्स बहुत ही जबरदस्त एंड अमेजिंग है और गेमिंग साउंड और ज्यादा रियलिस्टिक बनाते हैं इस गेम को खेलने में। तो भाई अगर आप इंडियन ट्रैक्टर गेम का डायहार्ड फैन हो तो अभी जाओ और इस गेम को डाउनलोड करके एंजॉय करो यार। तो दोस्तों हमारे लिस्ट में नंबर 5 रैंक पर है द लॉन्ग वे। साथ में इस गेम में जो डिजर्ट ओपन वर्ल्ड मैप देखने को मिलता है जिसका कोई एंड नहीं है। बेसिकली यहाँ पे आपको गाड़ी का अलग अलग
सारा पार्ट्स को ढूंढ के एक एक गाड़ी को तैयार करके ड्राइव करना होता है। सभी पार्ट्स इधर उधर पड़ा रहता है एंड आप सभी को एक एक करके कलेक्ट करके तैयार करके लॉन्ग ड्राइव पे जा सकते हो। लेकिन ऑलवेज फ्यूल को ध्यान देना, रास्ते में आप ऑयल पंप से फ्यूल भी भर सकते हो, खा पी सकते हो एंड और बहुत कुछ एक्सप्लोर कर पाओगे। सिर्फ इतना ही नहीं, ड्राइविंग करते टाइम व्हीकल्स का कंडीशन भी देखना होगा, अगर कोई डैमेज हुआ तो रिपेयर भी करना होता है। और अगर आपको पूरा डेजर्ट एरिया में ड्राइविंग करने का मन कर रहा है तो भी कर सकते हो, लेकिन आप बहुत सारे डेंजरस थिंग्स फेस करोगे। और रही बात गेम की ग्राफिक्स, तो ग्राफिक्स को लेकर कोई भी कंप्लेंट नहीं है। बिसाइड गेमिंग साउंड और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाते इस गेम को खेलने में। ओवरऑल देखा जाए तो इस गेम ह्यूज ओपन वर्ल्ड एरिया में रियलिस्टिक कार सिमुलेटर, कार कस्टमाइजेशन, कार रिपेयर्स और डिफरेंट गाड़ी को तैयार करके ड्राइविंग जस्ट कम्प्लीटली रियल के जैसा वाइब्स मिलता है। आई थिंक आपको भी इस गेम को डेफिनेटली खेलना चाहिए। अब चलते नेक्स्ट गेम के बारे में। गाइस लिस्ट में नंबर 4th रैंक पर है ऑफरोड ड्राइव प्रो। जी हाँ गाइस, ये गेम सच में प्रो लेवल का ही है। क्या आपने ऑफरोड ड्राइव डेजर्ट गेम का कभी खेला है? क्योंकि ऑफरोड ड्राइव डेजर्ट गेम का बड़ा भाई ऑफरोड ड्राइव प्रो जो हाल ही में लॉन्च हुआ है एंड काफी ज्यादा धूम मचा रहा है प्ले स्टोर में। लेकिन दुख की बात यह है कि ये गेम हमारे कंट्री के लिए अवेलेबल नहीं है। पर टेंशन नहीं लेने का, बेस्ट क्वालिटी गेमिंग है ना, तो बेसिकली इस गेम में आपको ऑफरोड ड्राइविंग करना पड़ेगा और वो भी डेजर्ट एंड हिल एरिया के ऊपर से। मजेदार बात तो ये है कि यहाँ पे टोयोटा इनोवा, महिंद्रा थार एंड ट्रक भी चला पाओगे, जो सच में होने वाला काफी ज्यादा चैलेंजिंग। एंड मैंने भी ज्यादा नहीं खेला हूँ, क्योंकि अगर आप एक एक लेवल्स को कंप्लीट करोगे तो न्यू कार्स अनलॉक होता है। और वही बात गेम के ग्राफिक्स, तो ग्राफिक्स क्वालिटी काफी रियलिस्टिक है। एंड एक चीज नोटिस किया है, गेम में जो क्रैश देखने को मिलता है वो काफी डिटेल है, जो मेरे को काफी बढ़िया लगा है। तो भाई अगर आपको चाहिए ऐसा गेम जिसमें रियलिस्टिक हिल एरिया में टफ मिशन एंजॉय करना चाहते हो और अभी टोयोटा इनोवा गाड़ी को लेके, तो फिर ये गेम आपके लिए बेस्ट होने वाला है। लिस्ट में नंबर 3rd रैंक पर है सेलर ओडेसी। एक सर्वाइवल गेम है जहाँ पे आपको अकेले का आइसलैंड के ऊपर छोड़ा जाता है, नहीं आपके पास कुछ सामान एंड नहीं है कुछ खाना। गेम का कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा यूनिक देखने को मिलता है। तो आपको पूरा आइलैंड को एक्सप्लोर करना, एनिमल्स के साथ फाइट लेना, इनफैक्ट इसमें रैंडम प्लेयर के साथ मल्टीप्लेयर भी एंजॉय कर पाओगे। देन धीरे धीरे सर्वाइव करके बहुत कुछ एक्सप्लोर करना होता है एंड जितना टाइम से खेलोगे और बहुत कुछ नया नया चीज देखने को मिलने वाला है। अब ग्राफिक्स के बारे में बोले तो ग्राफिक्स को डेवलप किया है अनरियल इंजिन, तो समझ रहे हो ना कैसा तगड़ा लेवल का ग्राफिक्स देखने को मिलता है। और गेमिंग साउंड एंड एनवायरमेंट साउंड जस्ट ओपी होने वाला है। ओवरऑल एक न्यूली लॉन्च आउटस्टैंडिंग सर्वाइवल गेम है, तो अभी जाओ और इंस्टॉल करो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसी के साथ बढ़ते अगले गेम की तरफ। लिस्ट में नंबर 2nd रैंक पर है कार सिमुलेटर 2। पहले बोलूंगा इस गेम के बारे में बहुत कुछ शेयर करना है, तो थोड़ा सा भी स्किप मत करना। ये गेम मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट कार सिमुलेटर गेम है एंड जिसने भी इस गेम को बहुत टाइम से खेला है सिर्फ उसको ही पता है ये गेम कितना अमेजिंग है, क्योंकि इस गेम में एक बहुत बड़ा ओपन वर्ल्ड मैप देखने को मिलता है। बेसिकली पहले आपको एक नॉर्मल कार दिया जाएगा, दिन आपको छोटे मोटे मिशंस को कंप्लीट करके आपको रहने के लिए घर एंड गाड़ी पार्किंग के लिए गैरेज करना पड़ेगा। और गाड़ी परचेस करने के लिए आपको मैप में कार डीलर्स के पास जाके परचेस करना पड़ेगा, लाइक GTA 5। सिर्फ इतना ही नहीं, बहुत सारे डीलर है, किसी के पास सिर्फ सीडन, किसी के पास एसयूवी और किसी के पास सिर्फ सुपर कार अवेलेबल है, लाइक लैम्बोर्गिनी, बुगाटी, फरारी गाड़ी देखने को मिलेगा। एंड एक और मजेदार बात बोलूं कि इस गेम में मैंने सबसे बेस्ट कार को परचेस किया एंड कार का गैरेज में सिर्फ और सिर्फ सुपर कार से अवेलेबल है। बिसाइड और बहुत सारे गाड़ा इसी मैप में जिसने मैंने डिफरेंट डिफरेंट गाड़ी को पार्किंग करके रखा है। गाइस एक और चीज बताना तो भूल ही गया हूं कि इसमें रेसिंग के साथ टाइम ट्रायल, पार्किंग मिशन, इनफैक्ट ज्वेलरी सब प्रॉपर्टी, ATM लूट, गाड़ी चुरा के भागना, एकदम कम्प्लीटली GTA 5 के जैसा मिशन एंजॉय कर सकते हो। साथ ही साथ आप ऑफ रोड ड्राइविंग भी कर सकते हो, वो भी रेंज रोवर गाड़ी को लेके। और एक बात, पुलिस से पंगा मत लेना, नहीं तो तुम्हारे कार को सीज कर लेगा, देन आपको फाइन देके कार चुराना पड़ता है, जो बहुत ही बुरी बात है। अब ग्राफिक्स के बारे में बोले तो ग्राफिक्स काफी रियलिस्टिक देखने को मिलता है। ओवरऑल देखा जाए तो इस गेम में लार्ज ओपन वर्ल्ड मैप में डिफरेंट डिफरेंट मिशन एंड अगर आपको कुछ नया ट्राई करना है तो इस गेम को आपको डेफिनेटली खेलना चाहिए। आई प्रॉमिस आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा। अब चलते हैं लास्ट गेम में। सो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं हमारे लिस्ट में नंबर 1 गेम में और हो गया हमारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिमुलेटर 2। ये एक ऑनलाइन गेम है, तो भाई इस गेम के बारे में बोले तो ये गेम मेरे को कुछ बस सिमुलेटर अल्टीमेट के जैसे लगा है, क्योंकि इसमें बस टर्मिनल से पैसेंजर को लेके GPS लोकेशन फॉलो करके डेस्टिनेशन में जाना पड़ता है, जाते टाइम रियलिस्टिक ट्रैफिक एनवायरमेंट व्यू देखने को मिलता है। साथ ही साथ टोटल 8+ नॉर्मल टू लग्जरी बस को ड्राइव कर पाओगे, जिसको अनलॉक करने के लिए एक एक मिशन कंप्लीट करना जरूरी है। यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट कैमरा एंगल्स और स्टीयरिंग व्हील डिटेल एंड बटन के थ्रू भी ड्राइविंग एक्सपीरियंस कर सकते हो। और यही बात गेम की ग्राफिक्स, तो ग्राफिक्स क्वालिटी बहुत ही शानदार देखने को मिलता है। गाइस आई नो आप लोगों ने इस गेम को इससे पहले कभी नहीं खेले हो, तो जाओ और डाउनलोड करके एंजॉय करो यार। सो गाइस वीडियो बस इतना ही, कौन सा गेम आपको पसंद है प्लीज कमेंट करके बताना एंड आई होप आपके पसंद के हिसाब से आपको बेस्ट गेम भी मिल गया होगा। इसी बात पे एक लाइक एंड सब्सक्राइब तो बनता है, तो फिर मिलता है अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में।